पर चुनाव नतीजों पर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर सीट का फीडबैक उनको देना था लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई है और बीजेपी को टोंक सवाई माधोपुर को लेकर फीडबैक नहीं मिला है। आज चिंतन मनन मंथन की बैठक बीजेपी की हो रही थी। सवाई माधोपुर टोंक संसदीय सीट लोकसभा सीट को लेकर फीडबैक किरोड़ी लाल मीणा से लेना था। आज 6 सीटों पर चर्चा हो रही थी बीजेपी की तरफ से और कल की बैठक में 5 सीटों पर चर्चा होगी, लेकिन आज जिन छह सीटों पर आज चर्चा होनी थी उसमें एक सीट टोंक सवाई माधोपुर की भी थी लेकिन इस पर फीडबैक नहीं मिल पाई है। लवली वधवा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ है। लवली, कुछ कारण बताया क्या बैठक में शामिल नेताओं को किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कि वो क्यों नहीं आ पाए आज? देखिए, न केवल किरोड़ी लाल मीणा बल्कि भाजपा का हर एक पदाधिकारी इस बैठक को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। सुबह 11 बजे से इस बैठक का दौर शुरू हुआ लेकिन एक भी पदाधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो आकर के कोई बयान जारी करे कि आखिरकार नतीजे जो हैं उस पर जो मंथन चिंतन चल रहा है उसमें आखिरकार चल क्या रहा है। हालांकि उम्मीद है कि देर शाम तक प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने आएंगे और कहेंगे आकर के कि आखिरकार आज की बैठक में क्या रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर की बैठक के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया था, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, तमाम इलाके के लोगों को बुलाया गया था जो जिम्मेदार लोग थे उस सीट को जिताने की, जिन्होंने अपने सर पर जिम्मेदारी ली थी वो, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे, जनता के मन को नहीं टटोल पाए और वहां से सीट हार गए। टोंक सवाई माधोपुर की जहां तक जिक्र हम लोग कर रहे हैं वहां की सीट की चर्चा को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा को पहुंचना था, उन्हें अपनी बात कहनी थी। वो जैसा कि वो बार बार कह रहे थे चुनाव के परिणामों से पहले वो दावा कर रहे थे कि 7 सीटों पर उनको जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अपनी बात पर कायम भी नजर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया और उसके बाद में वो ना सरकारी दफ्तर की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं ना वो दफ्तर जा रहे हैं और आज वो बीजेपी के दफ्तर भी नहीं आए हैं। एज ए विधायक के तौर पर उन्हें यहां पर अपना ये कह सकते फीडबैक देना था, बताना था आखिरकार टोंक सवाई माधोपुर की सीट को हारने के क्या कारण थे, उन नतीजों पर मंथन होना था, भाजपा आगे की रणनीति तैयार करती, आगे पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, भाजपा को आगे भी बड़ा मैदान जो है वो साफ करना है कांग्रेस का, तो ऐसे में भाजपा एक अपने मजबूत किले को जो है वो और मजबूत करना चाहती है। लेकिन सुखबीर सिंह जौनापुरिया क्यों हारे इस बात का फीडबैक देने किरोड़ी मीणा नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल जो है बाड़मेर को लेकर के मंथन बता रहे हैं वो चल रहा है, लगातार जो है यहां पर मंथन चल रहा है। नागौर सीट को लेकर के मंथन हुआ था, नागौर सीट के मंथन के बाद में ज्योति मिर्धा बाहर आई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उसके साथ मिलकर के हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा इसलिए वो चुनाव हार गई, उन्होंने अपने कारण जो थे वो संगठन को बताए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक का नतीजा क्या होगा, हार की जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी, ये नतीजे जो चौंकाने वाले नतीजा है, 25 की 25 सीटें जीतना आसान है, ज्योति मिर्धा भी कहकर के गई कि जीतना तो आसान था लेकिन उन सीटों पर बने रहना बड़ा मुश्किल था और वही भाजपा के साथ हुआ कि भाजपा को इन चुनाव के अंदर जो परिणाम 25 के 25 के दावे किए जा रहे थे भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और समझ में तब आया जब 4 तारीख को परिणाम आया कि राजस्थान में भाजपा का जनाधार पहले से घट गया है, विधानसभा चुनाव में जितना विश्वास जनता ने किया था वो विश्वास कम हो गया है, भाजपा के नेताओं की लोकप्रियता राजस्थान में घटी है और केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जो निकालने में भाजपा कामयाब हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का मैजिक तो चला लेकिन राजस्थान के नेताओं का मैजिक जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया जिसके चलते नतीजों पर 10 दिन बाद आज मंथन चल रहा है। अब इन नतीजों के मंथन के बाद में जब रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट के आलाकमान को दी जाएगी, आलाकमान उस रिपोर्ट से कितना संतुष्ट होता है। हालांकि सूचना यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा आपसे कुछ देर बाद में भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं, हालांकि आज की बैठक में वो अपेक्षित नहीं थे क्योंकि वो उनका संगठन से लगाव है, संगठन के पदाधिकारी रहे हैं तो वो संगठन पहुंच रहे हैं और संगठन को वो अपनी आत्मा भी कहते हैं, संगठन के दफ्तर को मंदिर भी कहते हैं, तो वो यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके वो भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नतीजों के मंथन के बीच में अमृत मंथन जो चल रहा है उसमें निकल करके क्या आ रहा है वो अब तक बताने के लिए कोई भाजपा का पदाधिकारी बाहर नहीं आया है, यानी सब कुछ ठीक नहीं है अंदर खाने में और उन बातों को लेकर के जो अंदर का गतिरोध है नेताओं का, जो जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा की गई, जैसा कि पूर्व में मंत्री झाबर सिंह और कई मंत्री कह चुके हैं कि टिकटों में हमसे राय नहीं ली गई और दिल्ली से सीधे ही टिकट जारी कर दिए गए, इस तरह की बातें भी सामने आई थी, टिकट वितरण में खामियों की बातें भी सामने आई थी, तो तमाम बातें जो है वो अब संगठन कितना गंभीरता से लेता है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का किला करीब करीब कमजोर माना जा रहा था लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस को एक नई ऑक्सीजन मिली है और कांग्रेस अपने इस किले को फिर से मजबूत करने में जुटी है। चाहे अशोक गहलोत घर पर हो, डोटासरा घर पर हो,
टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर हो, लेकिन वो लगातार जो है भाजपा पर वार कर रहे हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो इन वारों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, भाजपा की गुड गवर्नेंस लोगों के बीच में दिखनी चाहिए, उसके दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट किया जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का किस तरह से ख्याल रखा जाए, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आलाकमान तक पहुंचाने के लिए ये बैठक चल रही है सुबह 11 बजे से। ये बैठक जो है रात तक, बता रहे हैं कि देर रात तक चल सकती है। इसमें एक एक सीट पर बारीकी से मंथन हो रहा है, किसकी कहां पर जिम्मेदारी थी, कौन कहां पर कामयाब नहीं हो पाया। और जनता का मन जो था वो विधानसभा चुनाव में तो बहुत बेहतर था भाजपा के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही मैजिक चल पाया, यहां के स्थानीय नेता जो थे वो अपने चेहरे में दमखम। लवली नजर रखें आप इस बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।